का लाइटर गिराने का रूम खाना है। हाँ। नहीं वो कह रहे कि मत सुखाना। नहीं तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगा। हाँ। वो मैं कह रहा हूं सेमी सुखाना पड़ेगा। किसने बोला? अविनाश ने बोला क्या कि आप बाहर आओगे? मालूम है अभी तो सुखा के तब तक स्प्रे मार के गीला हो सकता है ना। वही थोड़ी ठंड लग रही है। बताइए। हाँ मुझे क्या पता? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता। मैं तो रूम में जाती हूँ और मम्मी के साथ हाइड एंड सी खेल रही थी रूम में और पता नहीं इसने कुछ किया होगा तूने। नहीं हाँ। मम्मा मुझे बुलाती हैं, माँ मेरी उत्तरा देवी, और धोखे से बुलाती है मुझे और मेरे लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने एक डेकोरेट किया हुआ है, स्टार्स वार्स और पूरी लाइटिंग की हुई है, तो मैं तो बहुत ऐसे फैसिनेट हो जाती हूँ। मतलब मम्मी तुम्हें दिन में तारे दिखा रही है। हाँ जबकि उन्होंने मेरे लिए प्लान किया होता है, केरोसिन ऑयल डाल देती हैं और उसके बाद वो उन्हें लाइटर नहीं मिलता, तो लाइटर जैसे मिलता है वो लगाने लगती, जैसे आग वो गिर जाता है उनसे और वो भी उसी आग में फंस जाती है। देखो तुम ना इतना झूठ बोलना बंद करो, मेरी माँ बहुत जूट? अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम माँ मेरे लिए भी माँ अच्छी है ना अभी तो। माँ तुम्हारे को स्टोर रूम दिखाने गई थी और तुमने ही कुछ अच्छा मैंने केरोसिन फेंक दिया और मैंने आग लगा दी। तुम्हारा बच्चे वाला दिमाग है इस टाइम पे, तुमने कुछ जरूर हरकत की होगी ऐसे कि आग लग जाए। अच्छा चुप रहो। अच्छा लेकिन जब बचाने के लिए आप आए तो आपने फाल्गुनी को बचाया और विधान ने उत्तरा देवी को बचाया, खटका या मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये बोला विधान को कि तुम मॉम को बिछा ले, बचा ले, मैं गीला हूं, मैं ठंड लग रही तो होता है, तो मॉम को बचा ले क्योंकि मुझे इसको बजाना जरूरी था क्योंकि इसके अंदर अभी दिमाग नहीं है। नहीं मैं ज्यादा डेंजरस जोन में थी। जोन में? यस यस जोन में थी। नहीं नहीं जोन में थी। आई करेक्टेड माय सेल्फ। नो इट्स ओके। हां तुम ज्यादा डेंजरस जोन में थी तो बेसिकली 5 साल के बच्चे का दिमाग चलता नहीं है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरे प्रेफरेंस था कि मैं इसे सबसे पहले बचाऊं, लेकिन उससे पहले मैंने मॉम के बारे में ही सोचा कि छोटे को बोला कि तू जाके मॉम को बचा, मैं इसे बचाता हूं। अब उनको खटक गई तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर दी है, लेकिन देखा खुद ही अपने जाल में फंस गई है। वो लड्डू गोपाल है ना मेरे साथ, कुछ नहीं होगा मुझे। बहुत अच्छा था क्योंकि डरावना था, प्रिकॉशंस काफी लेने पड़े हम लोगों को, और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं तो गीला हो चुका हूँ, 4 बाल्टी पानी मैंने अपने ऊपर डाल लिया है और बारिश के मौसम में हाँ 4 बाल्टी पानी डाली है, हर शॉट में पानी डाला है। हाँ, हाँ। मुझे लगा आग के लिए क्या इसमें इतना वो, क्योंकि मैं बता देता हूँ बच्चे को नहीं पता होता है जब पानी आग के अंदर जाते हैं तो अपने ऊपर पानी गिरा के जाते हैं ताकि आग आपको ना पकड़ ले, ये आप अपनी डिक्शनरी में तुम डाल लो। अच्छा थैंक यू थैंक यू। अच्छा पैनिक करो पैनिक पैनिक लोग
गया जब तुम लोग को देखो लेके जाओ बाहर बचाओ बचाओ बोलो चिल्लाओ 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 बचाओ नियति मुझे बचा लिया
कर, समझ नहीं आया आदमी
अभी तो सुखा के तब तक स्प्रे मार के गीला हो सकता है ना। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। सबसे पहले तो इतनी बड़ी आग किस तरह लगी, कुछ कहना चाहिए बताइए। हाँ मुझे क्या पता, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बचा नहीं मुझे भी नहीं पता। मैं तो रूम में जाती हूँ, मम्मी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी रूम में और पता नहीं इसने कुछ किया होगा तूने। नहीं हाँ। मम्मा मुझे बुलाती हैं, माँ मेरी उत्तरा देवी, और धोखे से बुलाती है मुझे। और मेरे लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने एक डेकोरेट किया हुआ है, स्टार्स वार्स और पूरी लाइटिंग की हुई है, तो मैं तो बहुत ऐसे फैसिनेट हो जाती हूँ। मतलब मम्मी तुम्हें दिन में तारे दिखा रही है। हाँ, जबकि उन्होंने एक मेरे लिए प्लान किया होता है, केरोसिन ऑयल डाल देती हैं और उसके बाद वो उन्हें लाइटर नहीं मिलता, तो लाइटर जैसे मिलता है वो लगाने लगती, जैसे आग वो गिर जाता है उनसे और वो भी उसी आग में फंस जाती हैं। देखो तुम ना इतना झूठ बोलना बंद करो, मेरी माँ बहुत जूट? अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम माँ तुम्हारे को स्टोर रूम अच्छी है ना अभी तो माँ तुम्हारे को स्टोर रूम दिखाने गई थी और तुमने ही कुछ अच्छा मैंने केरोसिन फेंक दिया और मैंने आग लगा क्योंकि तुम्हारा बच्चे वाला दिमाग है इस टाइम पे, तुमने कुछ जरूर हरकत की होगी ऐसी कि आग लग जाए। अच्छा चुप रहो। अच्छा लेकिन जब बचाने के लिए आप आए तो आपने फाल्गुनी को बचाया और विधान ने उत्तरा देवी को बचाया, ये खटका या मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये बोला विधान को कि तुम मॉम को बिछा ले बचा ले। मैं गीला हूं, मैं ठंड लग रही तो होता है, तो मॉम को बचा ले क्योंकि मुझे इसको बजाना जरूरी था क्योंकि इसके अंदर अभी दिमाग नहीं है। नहीं मैं ज्यादा डेंजरस जोन में थी। जोन में यस यस जोन में थी। नहीं नहीं जोन में थी। तुम नो इट्स ओके। हां तुम ज्यादा डेंजरस जोन में थी तो बेसिकली 5 साल के बच्चे का दिमाग चलता नहीं है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरे प्रेफरेंस था कि मैं इसे सबसे पहले बचाऊं। लेकिन उससे पहले मैंने मॉम के बारे में ही सोचा कि छोटे को बोला कि तू जाके मॉम को बचा, मैं इसे बचाता हूं। अब उनको खटक गई तो फाल्गुनी जैसे उन्होंने काफी कुछ कारनामे किए ही है आपके आपको परेशान करने के लिए, लेकिन ये वाला कुछ अनदर लेवल ही पहुंच गया। हाँ इसमें तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश कर दी है, लेकिन देखा खुद ही अपने जाल में फंस गई है। वो लड्डू गोपाल है ना मेरे साथ, कुछ नहीं होगा मुझे। लास्टली ये सीन काफी मतलब थोड़ा सा जैसे कहा डेडली आग वगैरह थी, हाँ कैसा रहा ये पूरा सीन? बहुत अच्छा था क्योंकि डरावना था, प्रिकॉशंस काफी लेने पड़े हम लोगों को। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं तो गीला हो चुका हूँ, 4 बाल्टी पानी मैंने अपने ऊपर डाल लिए है और बारिश के मौसम में हाँ 4 बाल्टी पानी डाली, हर शॉट में पानी डाला है। मुझे लगा आग के लिए क्या इसमें इतना वो, क्योंकि मैं बता देता हूँ बच्चे को नहीं पता होता है जब पानी आग के अंदर जाते हैं तो अपने ऊपर पानी गिरा के जाते हैं ताकि आग आपको ना पकड़ ले। ये अब अपनी डिक्शनरी में तुम डाल लो। अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू।